आरजेडी नेता मनोज झा आनंद पे उतरेंगे। अरे मैं चाहता हूँ, सड़क पे नहीं उतरे हैं बहुत दिन से। ये जो स्कीम वाले गेम खेलते हैं ना, ऑपरेशन लोटस, सड़क पे उतरे तो लोगों के आक्रोश का भी सामना होगा, महंगाई बेरोजगारी के बारे में पता चलेगा। सड़क पे जरूर उतरे। आज सिर्फ दो लोग शपथ लेने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा आप लाइव में? एक बात मेरा मानना है कि एक बार आज ये जरूरी है, उसके बाद विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव आएगा, उसके बाद बाकी की प्रक्रियाएं पूरी होंगी। लेकिन आपको लगता है कि जो इतना आसान आपको लग रहा है कि सरकार चलाना जेडीयू के साथ, जिसके साथ आप पहले साथ छोड़ चुके हैं, फिर आसान होगा इतना कार्यकर्ताओं को समझाना आसान? राजद के लिए तो कभी मुश्किल नहीं था। राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी या लालू जी जब कमिटमेंट करते हैं ना, एक कदम पीछे नहीं हटते हैं। ये कमिटमेंट सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, एक धारा का कमिटमेंट है, और वो धारा देश में मजबूत हो, आप देखिए पूरे देश में लोगों का संदेश किस प्रकार का है, समझ में आ जाएगा। तो डर है कि जंगल राज की वापसी, आतंक राज की वापसी, आरजेडी के कार्यकर्ता फिर सड़कों पर उतरेंगे, फिर वही? किसका डर है? बीजेपी का डर है, उसको आप अपना डर बता रहे हैं। बीजेपी का? हाँ, तो बीजेपी कहिए ना, अपना डर क्यों बता रहे हैं? ये डर हर लाइन में बीजेपी नहीं, 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 ये डर उन लोगों का है जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जाके बिहार के गरीब गुरुओं से अभी पूछ लें, उनके घर में रौनक आ गई है, चेहरे पे मुस्कान आ गई है, वो मुस्कान है कि बिहार पूरे देश को संदेश दे रहा। ऐसा क्या होगा फिर आप लोग नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए तैयार हो गए? ऐसा क्या बदलाव आगे नीतीश कुमार? पूरे देश में बीजेपी कर क्या रही है? लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए कुछ एक भी कदम उठा रही है? संसद नहीं चलने दे रही है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? झारखंड में गेम कर रहे थे। ये तो अद्भुत पार्टी है ना, चुनाव जीते तो सरकार बनाती है, हारती है तब भी बनाने की कोशिश करती है। उस चीज को एक झटका लगा, इसलिए मैंने कहा आईना रखे। जेडीयू के सांसद नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि 2024 में कैंडिडेट हो सकते हैं, तो क्या आरजेडी समर्थन देगी जेडीयू के इस पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार? तेजस्वी जी ने साफ कर दिया, सबसे अनुभवी और परिपक्व मुख्यमंत्री है, बाकी आगे इबारत लिखी जानी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मनोज झा कह रहे हैं कि जो आशंकाएं तमाम जताई जा रही है कि जो नई सरकार बनने जा रही है उससे फिर से जंगल राज की वापसी होगी, आतंक राज की वापसी होगी, ये सिर्फ बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब आरजेडी भी परिपक्व हो गई है और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी परिपक्व हो गए हैं। आनंद बात कर रहे थे आरजेडी के नेता मनोज झा से, उन्होंने कहा कि ये दो व्यक्तियों के बीच का कमिटमेंट नहीं है, दो धाराओं का कमिटमेंट है। हालांकि ये दो व्यक्तियों का और दो धाराओं का कमिटमेंट पहले होकर के टूट चुका है, ये बात भी सत्य है। विजय लक्ष्मी के पास आपको लेकर चलते हैं, जो कि राबड़ी देवी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। कुछ हलचल वहां आप देख रही है विजय लक्ष्मी? देखिए सौरभ, इस वक्त हम दिखाएं तो ये 10 सर्कुलर रोड है जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है, और यहाँ पर रास्ता जो है वो क्लियर करा दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो कि आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं 2 बजे, वो यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और सुबह से ही, इनफैक्ट कल से ही जब नीतीश कुमार राजभवन गए तब से ही हम देख रहे हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू हो गए। और अभी यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन मुकेश सिन्हा आपको दिखाएंगे, लड्डू वगैरह यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, काफी एक तरीके से लोगों ने एक दूसरे को रंग यहाँ लगाया और खुशी का जश्न का माहौल आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं में है। और देखिए पीछे जो है यहाँ पर लड्डू जो है वो बांटने की, सुबह से ही हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग लड्डू बांट रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं ये। बहरहाल दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो लेंगे तेजस्वी यादव, अब से थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। राजनीति जो है वो अपनी जगह है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं की जहाँ तक बात है वो जरूर काफी खुश हैं, और एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस पार्टी मिलकर के सरकार बना रही है। यहाँ से निकल करके तेजस्वी सीधा ठीक है विजय लक्ष्मी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।